हाई एवरी वन दिस इज़ विरोनिका आज हम एक प्रपोज एलिफेंट रिज़र्व के बारे में बात करेंगे लेमरू एलिफेंट रिज़र्व के बारे में छत्तीसगढ़ में ये क्यों न्यूज़ में है क्या कॉन्ट्रोवर्सी इसके आगे पीछे चल रही है ये सब डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका एरिया रिड्यूस करने की बात की गई है तो पूरा केस कॉन्ट्रोवर्सी क्या है डिटेल में देखते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेकन्यूज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पे, पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए जो राज्य सरकार का फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने पीसीसीएफ पीसीसीएफ कौन होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के उनको कहा कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए जहाँ पे ये जो प्रोपोज अभी बना नहीं है प्रोपोज है खाली कि हाँ बनेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है उसका जो एरिया है उसको डिक्रीज करने का एक प्रेजेंटेशन बनाइए और ये जो निर् आदेश है इसका बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस के खुद के लीडर्स इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर टी एस सिंह दीओ एम एल ए लालजीत राथिया खुद के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे प्रपोज लेमरू एलिफेंट रिजर्व था इसका एरिया था उसको डिक्रीज करने के आदेश आपने क्यों दिया तो ये कॉन्ट्रोवर्सी में है अब लेमरू एलिफेंट रिजर्व की अगर बात करें कहाँ है ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ठीक है छत्तीसगढ़ की बात हो रही है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एम क्या है ये जो लेमरो एलिफेंट रिज़र्व है इसको प्रपोज क्यों किया गया ताकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को हम कम कर सकें और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कम हो अदरवाइज एलिफेंट्स आपको पता है कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आपके खेतों में आ जाएंगे डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे ये घबरा के जो लोग हैं वो भी एलिफेंट्स को मारने लगेंगे तो एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है उसको रोकने के लिए ये एरिया जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये प्रपोज किया गया ताकि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी बचे और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन भी ना हो और ऊपर से एलिफेंट्स को एक परमानेंट हैबिटेट भी मिल जाए अब ये जो प्रपोजल है देखिए कितने साल से पास किया गया है इसको यूनानिमसली इसको पास किया गया असेंबली में 2005 में और सेंटर का अप्रूवल इसको 2007 से मिल गया दो हजार पांच और 2007 की बात है अब लेमरू इज वन ऑफ द टू एलिफेंट रिजर्व प्लान टू प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल इन द रीजन इस रीजन में दो इस तरह के रिजर्व्स बनने की बात हुई उनमें से एक आपका लेमरू है और बेसिकली जो एलिफेंट्स हैं ये छत्तीसगढ़ में आते हैं कहां से उड़ीसा और झारखंड से मूव करके तो कॉरिडोर सेफ कॉरिडोर्स बनाने की यहाँ पे बात जो है वो हो रही है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये है इंडिया के मैप में और यहाँ पे ये लेमरू है रिजर्व जिसको प्रपोज किया गया है अब प्रेजेंट इशू क्या है इश्यू यही है कि लैंड डिक्रीज करने के लिए बोला है कितना लैंड सेप्टेम्बर 2011 में टाइमलाइन अगर आप देखेंगे 2011 में क्या हुआ उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि इस रिजर्व का कितना एरिया रखेंगे 1143 स्क्वायर किलोमीटर इस रिजर्व को इतने एरिया में फैला रहेगा और ये एक लेटर है 26 जून 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो आया वहां से ये बात हमको पता चलती है अब जो करंट कांग्रेस गवर्नमेंट है कैबिनेट मीटिंग में अगस्त 2019 में वो ये एरिया बीजेपी ने कितना दिया 1143 स्क्वायर किलोमीटर तो 2019 में क्या होता है जो कांग्रेस की कैबिनेट है वो इसको इंक्रीज करती है एरिया को बोलती है कि वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहेगा और लास्ट मंथ में अब बोला जाता है राज्य सरकार के आदेश देती है कि वन नाइन नाइन फाइव स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया अप्रूव किया गया था उसको डिक्रीज करके फोर फिफ्टी किलोमीटर कर दो एक्चुअल में जब ओरिजिनल किया गया था ना वो फोर फिफ्टी किलोमीटर ही था लेकिन बाद में बीजेपी ने इसको इंक्रीज किया फिर कांग्रेस ने बोला हम और इंक्रीज करेंगे और अब कांग्रेस जो राज्य सरकार है वही बोल रही है नहीं नहीं फिर से डिक्रीज़ करके फोर फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर कर दो तो ये प्रेजेंट इशू है तो रीज़न क्या है कि ये एरिया को रिड्यूस आखिरकार क्यों करना चाहते हैं ऐसा क्या है वहाँ पे तो देखिए अभी आपको पता चलेगा ये जो एरिया प्रपोज किया जा रहा है रिजर्व का ये हाथियों अरण्य फॉरेस्ट जो है उसका एक पार्ट है और एक बहुत अच्छा बायो जोन होने के साथ साथ ये एरिया यहाँ पे जो कोयला है उसकी खाने हैं कोल माइंस हैं कोल डिपॉजिट्स हैं ट्वेंटी टोटल अगर आप देखेंगे ट्वेंटी टू कोल ब्लॉक्स हैं इस एरिया में उनमें से सात को ऑलरेडी माइंस के लिए अलॉट कर दिया गया है और उनमें से तीन में तो काम भी शुरू हो गया है जो जो भी काम रहता है उसको शुरू करने का वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या एक पॉलिसी लाई थी नो गो एरिया पॉलिसी कि भाई यहाँ पे रिजर्व बनेगा प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं होगा लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये जो कोल ब्लॉक्स हैं इनको जो रिजर्व वाले एरिया में भी आ रहे हैं जो प्रपोज रिजर्व है उनको भी एक्शन लिस्ट में डाल दिया गया उनका भी एक्शन होने लग गया अब बिगेस्ट चैलेंज यही है कि कोल माइंस अगर यहाँ पे हमें ये रिजर्व बनाते हैं तो जो बहुत सारी कोल माइंस हैं वो अनयूजेबल हो जाएंगी अगर तभी इसको डिक्रीज करके 450 स्क्वायर किलोमीटर कह दिया है क्योंकि अगर पूरा 1995 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया रहेगा तो आपकी बहुत सारी कोयले की खाइना खाने हैं जो अनयूजेबल होंगी हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में आएंगी लेकिन गवर्नमेंट ने ये रीज़न नहीं दिया है ये तो मैं आपको बीच की बात बता रही हूँ दैट दिस इज़ द प्रोबेबल रीज़न गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो एरिया है उसको रिड्यूस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है विलेजर्स से और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से उन्होंने कहा है कि एरिया को कम करो लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे विलेजेस ने ऑलरेडी अपनी सहमति जो है एक्विजिशन की हमारा लैंड ले लो एक्विजिट कर लो इस रिजर्व को बनाने के लिए सहमति वो दे चुके थे तो अब वो मना क्यों करेंगे तो गवर्नमेंट ने रीज़न दिया है कि विलेज और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला है जबकि बात यहाँ पे कोल माइंस की है अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर अलॉटेड माइंस पे तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे 2020 में पहले तो इन्होंने एक्शन लिस्ट में डाले थे पांच ब्लॉक्स लेकिन फिर बाद में उन पांच ब्लॉक्स को रिमूव भी कर दिया और बोला कि ये प्रपोज रिजर्व के अंदर आते हैं तो खुद ही इनका माइंड चेंज होता रहता है कि कभी बोलते हैं कि एरिया इंक्रीज करो फिर और ज्यादा इंक्रीज करते हैं फिर एक्शन लिस्ट में डालते हैं फिर एक्शन लिस्ट से बाहर निकालते हैं अब बोलते हैं फिर से एरिया रिड्यूस करो तो खुद ही नहीं उनको समझ में आ रहा है कि क्या करना है एनीवे anyway, वे तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो एक्शन लिस्ट में डाला बाद में फाइव कोल ब्लॉक्स को वहां से निकाल दिया इन फैक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर का एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस का कुछ एरियाज़ में कोल बियरिंग एरियाज में लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे बोला कि नहीं नहीं हम सेंटर को सेंटर हमारे राइट्स में इन्फ्रेंचमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे हमको रिजर्व बनाना है ये एरिया हम कोल के लिए नहीं देंगे लेकिन अब राज्य सरकार ही बोल रही है कि डिक्रीज कर दो अब जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है जैसे केते बसन पारसा कोल ब्लॉक्स में शुरू हो गया है ये रिज़र्व के आसपास का एरिया है और यहाँ पे ट्राइबल्स ने भी इस एरिया को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है कमिंग बैक टू रिज़र्व ये जो प्रपोज लेमोर रिजर्व है इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो एलिफेंट्स यहाँ पे पांच डिविजन्स जो हैं स्टेट की वहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ही दो एलिफेंट्स पाए जाते हैं अगर आप देखेंगे लास्ट बीस सालों में इस एरिया में अराउंड वन फिफ्टी एलिफेंट्स की डेथ हो गई है सिक्सटीन जो है इनमें से जून अक्टूबर 2020 में ही हमने डेथ्स देखी क्योंकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है एलिफेंट्स छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे थोड़े नए हैं 1990 में आना इन्होंने मूव मध्य प्रदेश से झारखंड से यहाँ पे मूव करना शुरू किया पहले यहाँ पे एलिफेंट्स इतने नहीं पाए जाते थे तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एनिमल्स आर ऑल्सो नॉट यूज टू लिव अराउंड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देंड ह्यूमो नॉट सो यूज टू एलिफेंट्स इन द फील्ड अब एम ने मध्य प्रदेश ने इस तरह की पॉलिसी भी लाई थी एनिमल्स जो झारखंड या छत्तीसगढ़ से आएंगे जब छत्तीसगढ़ बन गया उसके बाद कि एलिफेंट्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा इसलिए हम एक सेफ कॉरिडोर चाहते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह एलिफेंट्स जा रहे हैं उनको किसी रिजर्व में सेफ कॉरिडोर मिले अदरवाइज ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ये है पूरा कॉन्ट्रोवर्सी आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ इंटरनल uh, रीजन भी आपको पता चल गया गवर्नमेंट क्या स्टेट कर रही है रीज़न वो भी पता चल गया अब बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं छत्तीसगढ़ में वो आप देख सकते हैं कौन से हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट लेके ये सारे नाम आप एक बार स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए इसको याद रख सकते हैं और यहाँ पर मैप भी है ब्लैक में जो आपको दिखेगा ये तो स्टेट कैपिटल है छत्तीसगढ़ का रायपुर नेशनल पार्क पिंक कलर का स्टार दिखेगा और हाईवेज़ और सेंचुरीज आपको ये रेड कलर का स्टार दिखेगा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये स्टडी आई क्यू ने एक मैप बनवाया था एलिफेंट रिजर्व टोटल इंडिया में कितने हैं अभी तक ये तो प्रपोज की हम अभी बात कर रहे हैं दिस इज़ प्रोपोज तो एलिफेंट्स ऑलमोस्ट इन एरियाज़ में पाए जाते हैं साउथ में देखिए केरल में झारखंड छत्तीसगढ़ कामेंग सोनितपुर असम वेस्ट बंगाल उड़ीसा उड़ीसा में बहुत सी जगह में पाया जाता है संबलपुर महानदी इन uh, एरियाज में राइट right? तो ये सारे आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया के दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और ये नॉर्मल सा एक फैक्ट uh, है आपके लिए और दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट कि ह्यूमन्स के बाद एलिफेंट्स ही इस तरह के एनिमल हैं नॉन ह्यूमन एनिमल जो कि जिनको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ये भी स्ट्रेस में जाते हैं ह्यूम्स की तरह और एलिफेंट्स को बहुत रेयरली कैंसर होता है क्योंकि इनको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इनमें फोर्टी कॉपीज़ हैं एक ऐसे जीन की जो प्रोटीन बनाता है पी फिफ्टी थ्री ओके ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है ये कैंसर को सप्रेस करता है और ह्यूमंस में ये सिर्फ दो हैं तभी ह्यूमंस में आपको इतना सारा कैंसर होता भी लोगों में नज़र आता है तो एलिफेंट में ये फोर्टी जीन्स हैं तो so, वो ढेर सारा प्रोटीन बनाएंगे तो कैंसर कैसे होगा इट्स वेरी रेयर एन एलिफेंट गेटिंग कैंसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दयर टू थाउजेंड टेन डिक्लेयर एलिफेंट एज अशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री ऑन द रिकमेंडेशल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन झारखंड तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी टेलीग्राम पे इसका आंसर अपडेट कर दिया जाएगा डू पार्टिसिपेट इन दस और बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए स्टेट के डिफरेंट स्टेट्स के पी और एस आई जी के कोर्सेज भी आपको स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे ई एम आई अवेलेबल है वेबसाइट पर जाइए नंबर्स दिए उन पर कॉल करके सारी जानकारी जानकारी डिटेल में लीजिए थैंक यू सो मच